तो परिवादी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद परिवादी ने एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद परिवादी को एक्सरे की जो 200 रुपये की रसीद दी गई, तो और कहा कि 10 बजे आप एक्सरे ले जाना आके। परिवादी जब 10 बजे एक्सरे लेने गया उक्त हॉस्पिटल में, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारे तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। अजमेर का जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा जो लूट कसोट की जा रही है, उसको लेके एक परिवादी है। परिवादी सुबह 20 तारीख की बात है, 20/7/2019 की बात है, कि परिवादी सुबह घर से निकला था खेलने के लिए, तो उसका जो था अंगूठा मुड़ गया। अंगूठा मुड़ने पे उसको लगा दर्द है, तो वो डॉक्टर हेमेश्वर के पास गए। तो डॉक्टर हेमेश्वर ने कहा कि आप एक काम करें, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जाके और इसका एक्सरे करा लें। तो परिवादी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद परिवादी ने एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद परिवादी को एक्सरे की जो 200 रुपये की रसीद दी गई, तो और कहा कि 10 बजे आप एक्सरे ले जाना आके। परिवादी जब 10 बजे एक्सरे लेने गया उक्त हॉस्पिटल में, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाते उन परिवादी को कहा कि 300 रुपये चाहिए। तो परिवादी ने कहा सुबह जब मुझे 200 रुपये की रसीद दी, तो अब 300 रुपये किस चीज़ के देने? तो बोले नहीं साहब, हमारे इमरजेंसी चार्ज लगेंगे। तो परिवादी ने कहा ठीक है, तो मुझे 300 रुपये की रसीद दो। उन्होंने तुरंत बना से 300 रुपये की रसीद दे दी। तो परिवादी ने कहा इमरजेंसी चार्जेस की तुम्हारी कोई पॉलिसी बताए। जब पॉलिसी देखी तो पॉलिसी में लिखा हुआ था 20% अधिक लिए जाएंगे, जबकि अगर 20% भी होते हैं तो 200 रुपये के 240 रुपये होते हैं, उनके द्वारा 300 रुपये लिए जा रहे हैं, ये तो ठीक है? परिवादी ने जब उनसे बहसबाजी, तो परिवादी के साथ बहसबाजी की, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे तो हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, हम तो यही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो एक आम गरीब जो व्यक्ति है, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ किस प्रकार से कितनी लूट कसोट की जा रही है इस प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, उसको लेके परिवादी ने जब संबंधित थाने शिकायत दी, संबंधित थाने ने कार्रवाई नहीं करके, फिर 156(3) में जो कोर्ट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, उनके द्वारा 156(3) के ऑर्डर किए गए, संबंधित किशनगंज थाने को मुकदमा दर्ज कर, मुकदमा आईपीसी की धारा 420, 463, 465, 468, 120B के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के संचालक है रमेश क्षेत्रपाल और जो मैनेजर है केशर मैनेजर, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिस प्रकार से अगर कोई परिवादी है, परिवादी से इतनी लूट कसोट, 100-100, 200-200 रुपये की लूट कसोट, तो जो व्यक्ति जो वहाँ एडमिट रहते हैं, जो करते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, उनसे कितनी लूट कसोट करता होगा, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास, डॉक्यूमेंट के अनुसार आज मुकदमा दर्ज करने के जो कोर्ट ने आदेश दिए, डॉक्यूमेंट के अनुसार दिए, किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति के साथ, ये एक गरीब व्यक्ति जो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को मंदिर समझ के, भैया ठीक है हमारी वहाँ पे इलाज होगा, हमारी ठीक होगी, वो इस तरह से लूट कसोट कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, और जो कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ कुठाराघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर राहुल भारद्वाज, एडवोकेट।